आज मेरे जन्म दिवस पर आयोजित इस जन आशीर्वाद सम्मेलन में इस जिले का सबसे बड़ा जन्म दिवस मनाने के लिए आप सब लोग पधारे, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मेरे जैसे एक सामान्य घर में पैदा होने वाले काटवा के लिए उपहार साथी, आप लोगों ने आज हजारों की संख्या में बड़ौदा में आकर के जिले के अंदर एक विशिष्ट पहचान दी है, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मुझे यह लगता है कि मेरे पिताजी पिछली 13 साल से मेरे को ये कहते हैं तू खराब हो रहा है, तू खराब हो रहा है, आज के बाद मैं नहीं कहेगा या तारी उपस्थिति कहने लग रही। जिस दिन हम लोगों ने सारे जवान जो बच्चे गांव के हैं, मैं रोजाना की रोजाना जन्मदिन में किसी न किसी मित्र के यहां जाता रहता हूं, जब मेरे जन्मदिन की बात आई सारे जवान लड़के अलग अलग कहीं हमारे गांव में केक काटेंगे, ये करेंगे, झुंझुनू में ऐसे करेंगे, फिर सारे लोगों ने ये तय किया कि आपके जन्म दिवस को जन आशीर्वाद के रूप में मनाएंगे। उस दिन हमने सोचा था और आज आपने ये करके दिखाया है, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने जब से राजनीति के अंदर प्रवेश किया है, चाहे संतोष अहलावत जी का चुनाव हो, चाहे सुभाष पूनिया जी का चुनाव हो, चाहे दिगंबर जी का चुनाव हो, चाहे नरेंद्र किचड़ जी का चुनाव हो, मैंने उनसे ज्यादा मेहनत उनके चुनाव के अंदर की है। आप लोग इस चीज के गवाह। जब भी गांवों के अंदर कहीं जाते हैं आप सब लोग ये कहते हैं कि बेटा मेहनत करनी चाहिए, तेरा भी नंबर आएगा। मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में यह कहना चाहता हूं, आपके चरणों में अरदास करना चाहता हूं, नंबर आवर नहीं आवर तारो सिर के ऊपर हाथ रख चाहे, और कोई दिक्कत नहीं। आज आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर पधारे, उपहार दे रहे हैं बहुत सारा साथी, ये टेंट लगना शुरू हुआ तो सारा का सारा लोग यह कहता बेटा ओट बोटो टेंट लगाया कौन, क्रियाग्रह जन्मदिन है, और आप लोगों ने यह किया कि जितना है टेंट में बैठे उसे ज्यादा पार ने भी घूमने लग रहा है। आप लोगों सबके श्री चरणों में दोबारा प्रणाम करना चाहता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पिछली 13 वर्ष में मेरे घर पे अगर कोई व्यक्ति चल के आ गया, मैंने नाम नहीं पूछा, गांव नहीं पूछा, मुझसे बनने वाली चीज थी वो मैं आपके लिए की मैंने। और एकमात्र मैं ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता होऊंगा इस जिले में जिसके कार्यालय के दरवाजा नहीं है, मैंने गेट नहीं लगवाया कि कभी बंद नहीं हो जाए। मेरा आज भी कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है, मुझसे जो बन सकता है वो आप लोगों के लिए मैं निश्चित रूप से करता रहा हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो और ज्यादा मेहनत के साथ आपके सुख और दुख में आपके कंधे से कंधा मिला के तार से आगे तार के लिए खड़े और उंगलियों में बातें बातों में तार से करना। बातें कहने के लिए बहुत है पर मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं आज इस जन्म दिवस के मौके पे आप सब पधारे हैं कि 1 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव के, राजस्थान के अंदर जो कुशासन है गहलोत की सरकार किया, बिजली के अंदर भी जब यहां पे राहुल गांधी आए गुहाड़ा में और अशोक गहलोत जी ने भाषण दिया कि बिजली का 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे,
तीनों के तीनों चीज के अंदर ये सरकार फैल रही है। इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो केवल एक किया है कि मेरी कुर्सी कैसे बचे, कैसे सचिन को हटाऊं और कैसे इसको हटाऊं, केवल मेरी कुर्सी बचाऊं, इसके अलावा दूसरा काम इस सरकार ने किया नहीं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है बहुत सारा साथी कि अगले 12 महीने निश्चित रूप से आप सब लोगों को कमर कस करके राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम सब भी उसके अंदर भागीदार बने, ऐसा काम हम सब लोगों को करना चाहिए। आप सब लोग पधारे, जन्मदिवस पे कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं केवल एक आश्वासन और एक निवेदन आप सब लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि आज ये हजारों की संख्या में आप जो पधारे, आपने इतना बड़ा कर्ज मुझ पे चढ़ाया है कि मैं अगर मेरे सारो खून निकाल के भी तारे चढ़ा दूं तो वो कर्जो दूर नहीं हो उसका है। एक सामान्य घर का टावर ने थे पूरे जिले में विशिष्ट बनाए हुए थे, आया मान सम्मान भी करो, उस सब के लिए मैं सबके चरणा में प्रणाम करना चाहूं, उरे से सबके चरणा में प्रणाम करो बताने सर। अब एक जितने भी हमारे इस मंच पे विराजमान लोग हैं, ये भी जिले में पहला कार्यक्रम है किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का कार्यक्रम हो और उसके मंच पे एक भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, ये भी एक अनूठा काम आप सब लोगों की मेहनत से ही हुआ है। मंच पे विराजमान है इस क्षेत्र में हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हमारे परम पूज्य संत, अलग अलग मठों से और सबसे चीफ गेस्ट जो आज हमारे कुई आश्रम के बाबू जी हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे, एक बार जोरदार तालियां मेल के लिए बधाई थी। क्या है इस जीवन में, कहा है कि ये दुनिया तो एक दरिया है, ये दुनिया तो एक नदिया है, यूं ही जर्रे आया जाया करते हैं, पर सतीश गजराज जैसे कुछ ही व्यक्तित्व होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। जोरदार तालियों से।